सर सिर जैसे स्तन वायु डायमेट्रोडॉन प्रकट हुए, जिसके पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग था जो ताप को नियंत्रित रखने में मदद करता था। सरीसृप की तरह ही एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोनेटस इन दिनों काफी प्रभावशाली हो उठा। खंडित होने के कारण भारत एशिया की ओर खिसकने लगा था। महादेशीय प्लेटों में हलचल होने से ज्वालामुखी के रूप में लावा निकलने लगी। इसको अपने शरीर के ताप को नियंत्रित करता था। एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए आगे क्यों। एक अनुमान के अनुसार एक बहुत बड़ी भूमिका पृथ्वी से जाकर आई, जिसके फलस्वरूप उत्पन्न धूल के विशाल मेघ ने जलवायु में पृथ्वी के लंबे इतिहास में जाने तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ के चादरों से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है।